जय जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा। सत्यभंजन के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो वीडियो के अनुवाद करेंगे वो सत्यभंजन ने लाइव किया था हीराकुड डैम से, जो संबलपुर उड़ीसा में स्थित है, और उनके साथ थे मालिका के गवेषक कानू बाबा। वो हीराकुड डैम के अंदर जाने का कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने हीराकुड डैम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया था, इसलिए वे उसके पास ही वीडियो शूट किए थे। दर्शक बंधु, टूटेगा हीराकुद का बांध, जल प्रलय से डूबेगा आधा ओडिशा, 60 फुट तक चलेगा जल का स्तर, ऐसा जल प्रलय ओडिशा वासी कभी ने देखे होंगे। ये सब होने वाला है दोस्तों, और ये सब हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। मालिका के 244 ग्रंथ में हीराकुद के बारे में लिखा गया है कि कैसे हीराकुड टूटेगा और ओडिशा के जल प्रलय का शुरुआत होगा। कानू बाबा बताते हैं, पंचसखा ग्रंथ में महापुरुष ने 244 ग्रंथ में हीराकुद के बारे में लिखा है, हीरा पारा द्वे घटी हवे, जड़े स्थले या भांगी पड़ीबे, नित्या विविस्तर विकट भुई, परेश्वर गुप्त रही अछई। महापुरुष कहते हैं यहाँ दो महादेव रहते हैं, एक परेश्वर महादेव और दूसरा हीराकेश्वर महादेव, जो पानी के अंदर पूरा जलमग्न है। हीराकुद बहुत ही एक अनमोल जगह है, यहाँ बहुत गुप्त और मूल्यवान संपत्तियाँ हैं। पृथ्वी के बहुत अनमोल रत्न यहाँ पर है। पृथ्वी के नक्शे में ये एक पुराण क्षेत्र है, एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। इस जगह परेश्वर महादेव और हीराकेश्वर महादेव एक साथ होने वाले हैं, जो महापुरुष ने मालिका ग्रंथ में लिखा है, और जल प्रलय बहुत बड़े आकार में भी होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, जो इस युग के अंतिम होने का एक संकेत होगा। कटकिना भावरे कषण करिबे, नीलाचल नीलागिरी कालिया शांते बसी देखुचंती, शून्य बेला नाम बड़ी। इसका मतलब है कि महापुरुष बताते हैं नीलागिरी नीलाचल महाप्रभु सब शून्य से देख रहे हैं, और बताते हैं कि ये पृथ्वी में जो भक्त है उनके लिए कुछ विपत्तियां नहीं होगी, ये विपत्तियां सब दुष्ट लोगों के लिए है, राक्षसों के लिए है। हीराकुद के दलदल में विदेशियों का लक्ष्य है। हीराकुद बांध में जो दलदल है उसको लेकर पूरे बांध का मरम्मत कुछ विदेशी कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है। वो चाहते हैं कि वो बांध का मरम्मत करेंगे और उनके बदले उनको वो दलदल दिया जाए। कानू बाबा आगे बताते हैं कि ये दलदल एक साधारण दलदल नहीं है, इसमें बहुत अनमोल रत्न छुपा है। ये तालाब के जैसे कोई साधारण सा दलदल नहीं है, तो इस दलदल में बहुत ऐसे अनमोल रत्न छुपे हैं जिसके लिए विदेशियों कंपनियों ने आग गाड़े हुए हैं। हीराकुद का दलदल एक हीरे के दलदल के जैसे है, यहाँ बहुत दुर्लभ और अनमोल रत्न गुप्त है, जिसके कारण विदेशी कंपनियों इसको लेना चाहते हैं और इसको लेकर रिसर्च करेंगे और अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, जो उनको और शक्तिशाली बना देगा। हीराकुद पहाड़ के पत्थर में भी बहुत सारे रत्न हैं, जिससे बहुत रासायनिक बना सकते हैं, जो अस्त्र शस्त्र बनाने में सहयोग करेंगे। इन सब कारणों के लिए विदेशी कंपनियों ने हीराकुद बांध के मरम्मत लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर उनको ये मिल जाता है तब वो इस रत्नों से ढूंढ कर अपने अस्त्र शस्त्र बनाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे और खुद को शक्तिशाली भी बनाएंगे। 2022 से 2032 का अंक शुरू हो गया है, और इस दौरान मीन शनि का योग भी होने वाला है। जब मीन शनि का योग होगा तब देश विदेश में बहुत आपदाएं होने वाली है। पहले विदेश में होगी, फिर भारत में, और अंत में उत्कल ओडिशा में। और जब उत्कल में होगी तब हीरापारा एक जो होने वाला था, तब उसका मतलब अब आता है कि हीराकुंड का पानी के साथ पारादीप का पानी, समुद्र का पानी, पारादीप का समुद्र का पानी दोनों एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, जिससे जल प्रलय होगा, और वो इतना बड़ा होगा कि ओडिशा में रहने वाले कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा। मालिका में भी वर्णन है इसके बारे में, जल प्रलय के बारे में, जो 7 फुट तक ऊंचा होगा, जो भुवनेश्वर के अखंडगिरी पर्वत को छुएगा। बाबा आगे कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है,
देश विदेश में आपदाएं शुरू हो चुकी है और जब चरम समय होगी तब प्रभु कल्कि अवतार अपने भक्तों को बचाने आएंगे। हीरापारा एक के बारे में जब हमने बात किया था उसका मतलब हीराकुद के ऊपर कुछ आपदाएं होगी। बाबा आगे बताते हैं कि जब युद्ध होगा, जब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को इशारा करते हैं, तब कोई विदेशी लोग आकर इस बांध को तोड़ देगा जिससे ओडिशा का जल प्रलय का आरंभ होगा, ना कि हीराकुद। हीराकुद तो टूटेगा, उसके साथ साथ उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है तेहरी बांध वो भी टूट जाएगा। वो भारत का सबसे ऊंची बांध है और जो भागीरथी नदी के ऊपर है। और तो और हिमाचल प्रदेश में जो भाखरा नंगल डैम है जो सतलेज नदी के ऊपर है वो भी टूट जाएगा, और उससे पंजाब में नंगल बांध जो है वो भी टूट जाएगा। तो ये सब बांध, बड़े बड़े बांध सब विदेशी लोग आके तोड़ देंगे। दोस्तों, ये सब हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे, बस आप सच्चा धर्म का पथ पर चलिए और प्रभु का नाम लीजिए, सब अच्छा होगा। महाप्रभु अच्युतानंद ने जो लिखा है मालिका में सब एक के बाद एक सच हो रहा है और जो होता भी जाएगा। चलिए सब भगवान का नाम लेते हुए जीवन को सार्थक करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।